बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं। ऐसे में इसी बीच टाइगर श्रॉफ और बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा कृति सेनन करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण सीजन 7 में पहुंचे। इस दौरान इन तीनों ने काफी जमकर मस्ती मजाक किया है। ऐसे में इस चैट शो में टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की दमदार केमिस्ट्री देखने को मिली है। वही आपको बता दें कि कॉफी विद करण सीजन 7 से एक प्रोमो रिलीज किया गया है। इस प्रोमो में करण जौहर, कृति सेनन और टाइगर श्रॉफ काफी मस्ती मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक क्विज सेगमेंट में करण जौहर ने टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन से अमिताभ बच्चन को लेकर एक सवाल कर लिया। उन्होंने पूछा कि उस एक्ट्रेस का नाम बताओ जिन्होंने अमिताभ बच्चन की लवर और माँ दोनों का रोल निभाया है। ऐसे में एक्ट्रेस कृति सेनन ने कहा कि वो श्योर नहीं है उस एक्ट्रेस के बारे में। तभी टाइगर श्रॉफ ने बजर प्रेस किया और बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा का नाम ले लिया। ऐसे में टाइगर श्रॉफ के मुंह से रेखा का नाम सुनते ही करण जौहर काफी शॉक हो गए। करण ने टाइगर से कहा कि क्या। करण जौहर के इस रिएक्शन के बाद टाइगर अपने जवाब से पीछे हट जाते हैं, मगर इस दौरान करण जौहर की हंसी ही नहीं रुकती है। तभी करण बताते हैं कि वो एक्ट्रेस रेखा नहीं बल्कि वहीदा रहमान है। उन्होंने ही फिल्म में अमिताभ बच्चन की माँ और प्रेमी दोनों का रोल अदा किया था, जैसे कि राखी और शर्मिला टैगोर ने भी किया है। करण की इन बातों पर टाइगर कहते हैं कि वो इसी बारे में सोच ही रहे थे। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रुको रुको भाई भाई रुको भाई, एक मिनट और थोड़ा मास्क निकालो भाई। भाई यहाँ पर भाई पीछे टैग टाइगर, थोड़ा सा मास्क डाल भाई, टैग राइट में भाई, यहाँ पे भाई, थोड़ा पीछे भाई, यहाँ पे भाई भाई।